हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट विशाल। गाइस, आज का वीडियो सभी हीटर्स के लिए जिन्हें अच्छा पावर हीटर बनना है, जैसे इंडिया के हार्दिक पांडे, पोलार्ड को ले सकते हो, क्रिस गेल, एंडरसन और मैक्सवेल, बड़े बड़े हीटर हैं। तो कैसे आप उन जैसी बैटिंग कर सकते हो और कैसे आप उनके जैसा माइंडसेट कर सकते हो, जैसे वो मैच में आप देखते हो कितना एग्रेसिव बैटिंग करते हैं और उनका बड़ा नाम है हिटिंग में। तो आप भी गाइज इस वीडियो के बाद मैं 100% बोल रहा हूँ, बहुत हेल्प मिलेगी आपको हिटिंग करने में। कुछ मैं आपको पॉइंट बताऊंगा जो अभी तक मैंने नहीं बताए हैं। और गाइज मैंने बहुत बार उनकी बैटिंग एनालाइज की और खुद भी इंप्लीमेंट किया, मेरे से बहुत बार अच्छा इंप्लीमेंट हुआ बैटिंग करते और हिटिंग भी अच्छी तरह हुई। तो आप भी कैसे कर सकते हो आज मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। तो ये वीडियो गाइज 100% आपको कुछ सिखा के जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है आप सबके लिए। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज हिटिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं, और एक लास्ट में मैं पर्सनली जो मैंने खुद एनालाइज किया वो बताऊंगा, जो ये यूज़ करते हैं सभी हिटर्स वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले बता दूं, जो भी अच्छे हिट करते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं गाइज, वो अपने एरिया की बॉल चूज़ करते हैं, मतलब जहां भी उन्हें बॉल मिले तो वो यही देखते हैं। जैसे हम बैटिंग कर रहे हैं तो गाइज बैटिंग करते हुए आप चाहे पहले ओवर में कर रहे हो या पहली बॉल खेल रहे हो, तो आप देख सकते हो जो भी हिटर जिसके मैंने आपको नाम बताए, जिसमें आप रसल को ले सकते हो, आप हार्दिक पांडे को ले सकते हो और आप अपना मैक्सवेल को ले सकते हो, उन्हें जहां अपने एरिया में बॉल मिलती है तो वो मतलब ये नहीं सोचते हैं कि मुझे मारना नहीं है, वो मिलते ही मार देते हैं। और इनकी सबसे तगड़ी सबकी क्या बात है गाइज, बैट स्पीड। सबकी बैट स्पीड आप देखते हैं कितनी तेज है, आप उसमें रसल की भी ले सकते हैं, मैक्सवेल की भी ले सकते हैं और हार्दिक पांडे भी। गाइज पूरा तेज बैट चलाते हैं और पूरा बैट स्विंग होता है। तो सबसे पहले अगर आपने अपने एरिया में बॉल चुन लिया कि मेरा एरिया ये है, यहाँ पे आप बैटिंग कर रहे हो, आपने देख लिया कि बिल्कुल मुंह पे बॉल पड़ा हुआ है, तो आपको पूरा बैक लिफ्ट उठा के पूरा बैट स्विंग करना है वो आपको, और आपका बैट भी हिलना नहीं चाहिए, मतलब अगर आपने दोनों हाथ से टाइट पकड़ा हुआ है, पूरा टाइट पकड़ा हुआ है, अगर आप घुमाओगे ना आके तो वो अच्छा लंबा छक्का आएगा। और आपका हेड भी गाइज ऐसे गिरना नहीं चाहिए, ऐसे उधर उधर, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अच्छा हिटर बनना है। तो अपने एरिया की बॉल चूज़ करनी है, फिर आपको सोचना नहीं है कि आउट होगा या वो छक्का जाएगा, आपको पूरी पावर से मारना है तो वो बाहर ही होगा, एक आधी बार स्टार्टिंग में आप आउट होगे जरूर। और दूसरा गाइज आपको ना कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे छक्के मारने की, जैसे आप यहाँ खड़े हो आपको पता ही नहीं है सिक्स कैसे लगेगा तो आप मार ही नहीं सकते हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। कैसे करोगे, नेट्स में, मैंने प्रैक्टिस बहुत बार वीडियो बनाया है कि कैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जहाँ भी बॉल मिले तो आपको कोशिश करना है उसको लोफ्टेड मारना है, मतलब उड़ा के मारना है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे बॉल हवा में जाता है। और इसके लिए हमारा ये निचले वाला हाथ ही बहुत काम करेगा, जब भी आप उड़ा के मारोगे तो इसको हमेशा टाइट रखना है, अगर आपको अच्छा हिटर बनना है तो इसको आपको टाइट ही पकड़ना है, अगर आपको बॉल मिले तो उसको देख के ऊपर मारना है हवा में। और हवा में मारते हुए गलती नहीं करनी है, स्टार्टिंग में क्या गलती करते हैं बहुत भाई, वो ना ऊपर मारते हैं ऐसे, उन्हें पता लग गया कि हीटर बनना है मुझे हवा मारना है तो ऊपर मारते हैं, कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है, अपनी रीच बढ़ानी है। जैसे बॉल आपको आगे मिल रही है, आप खड़े हो, बॉल आपको आगे मिल रही है तो अपनी रीच बढ़ानी है आगे की साइड, मतलब ऐसे मारना है आपको ऐसे, ना कि आपको ऊपर मारना है, आपका बैट ऐसे चलेगा, ये ध्यान रखना है। जो बहुत भाई गलती करते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है फिर छक्के मारने में, तो कोशिश आपकी रहेगी, चाहे पीछे भी हो तो आपको ऐसे स्विंग करना है, ना कि आप ऊपर करो इसको, ऊपर हमेशा खड़ी होगी तो बैट आपका आगे की साइड जाएगा, रीच बढ़ा के आगे, मतलब आप खड़े हो तो आगे जाएगा, उससे छक्के भी लंबे जाएंगे। और जैसे हार्दिक पांड्या क्या करते हैं, लेग स्पिनर बॉल डालते हैं, तीन तीन चार चार छक्के मारते हैं, वो कारण क्या है, बॉल तक जाते हैं और पूरा आगे बैट स्विंग करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छा पावर हिटर बनना है। और गाइज जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो मैंने खुद एनालाइज की, गाइज सबसे बड़ा है इन सब का माइंडसेट। आप देख सकते हो मैक्सवेल कितनी बार ऐसे आगे बढ़ के आए और ऐसे बॉल छोड़ दिया और बोल्ड भी हुए, और रसल कैसे यहाँ पे खड़े थे पीछे से आउट भी है, उससे क्या समझ में आता है, इनका माइंड गाइज ऐसा, मतलब आपको पागल होना पड़ेगा। आपको मैक्सवेल गाइज ऐसे खेलते हैं जैसे कोई ऐसे खेल रहा है, इन्हें पता ही नहीं खेलने का, उससे क्या होता है, उससे आपका माइंडसेट क्लियर होता है कि आप पागल हो, मतलब अगर आपको हिट वाली बॉल मिल रही है ना तो आप मारोगे, आप छोड़ने वाले नहीं हो, क्योंकि उसमें से क्या होगा गाइज, अगर एक 10 में से एक भी मैच में आपका बैट चल गया ना तो आप सब बैट्समैन से अलग हो। रसल देखते हैं अभी तक कितने फॉर्म में नहीं आए, जिस सीजन में फॉर्म में थे ना उस सीजन में पूरे धागे खोल देते, तो आपको यही ध्यान रखना है, आप पीछे से भी आउट हो गए आगे से भी हो गए पर माइंड सेट आपको चेंज नहीं करना है। उनका मेरा कहने का मतलब था कि वो ऐसे खेलते हैं वो छोड़ देते हैं, कभी ये खेल देते हैं तो उससे क्लियर होता है कि बॉलर की उन्हें धज्जिया उड़ानी है, तो आप भी ऐसा ही सोचो, डरना नहीं है, अगर बॉल मिल रही है ना तो मारना ही है। और जो नए शॉट ट्राई करते हैं ना, मैक्सवेल ट्राई करते हैं या रसल ट्राई करते हैं, रसल तो सीधा सीधा ही मारते हैं, लंबा मारते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक शॉट के लिए, ये नहीं कि आप रात के रात सीख जाओगे कोई भी शॉट, तो आपको ना जो मेन था ना अपना माइंड भी ऐसा करना पड़ेगा जैसे आप पागल हो छक्के मारने के लिए,
फिर आपको क्या होगा, प्रैक्टिस भी आप करोगे और आपको कोई भी बॉलर फिर हारने लगेगा, आप सब बॉलर को मारोगे फिर। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि बॉल आपके एरिया में आए, दिमाग से ये कि बाहर करना है, ये आपको अलग बैट्समैन बना देगा। जो आप देख सकते हो क्रिस गेल भी है, मैक्सवेल भी है, रसल भी है, पोलार्ड भी है, गाइस बॉलर को छोड़ते नहीं है चाहे कोई भी हो। तो आज से अपना माइंडसेट चेंज करो और साथ साथ में प्रैक्टिस स्टार्ट करो, आप 100% छक्के मारने वाले और तगड़े हिटर बनोगे अपने टाइम में, क्योंकि यही माइंडसेट है। मैं भी गाइस जब भी बैटिंग करने जाता हूँ, कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं खड़ा हुआ, मैं डबल माइंड हूँ कि आज छक्के लगेंगे नहीं लगेंगे, पर मैं जब भी माइंड से खेलता हूँ ना, मतलब मुझे मिल गया कि मैंने सोचा कि मेरी एरिया में बॉल आएगी तो बाहर करूँगा, तो उसमें गाइस मैंने दो दो तीन तीन छक्के एक साथ मार दिए जाते हैं, दो तो मारे ही, मुझे अब तक याद है दो मैच में ऐसा हुआ कि मेरा माइंड सेट क्लियर था कि लास्ट में मैं गया कि जाते ही छक्का मारना है, तो दो बॉल उसने मुँह पे फेंकी, मैंने बाहर मार दिया पूरी पावर के साथ। तो आप भी क्लियर रखो, अगर छक्के मारने हैं ना तो खड़े हो जाओ, बॉलर ने बॉल फेंकी मुँह मिली बाहर या छोटा मिली बाहर, उससे आप क्लियर रहोगे। क्रिकेट में बैटिंग करते हुए जितना आप क्लियर रहोगे ना उतना अच्छा है, अगर आप डबल माइंड रहोगे ना तो ना आप हिटर बनोगे ना अच्छा डिफेंसिव प्लेयर बनोगे। मैंने आपको सीधी सी बात बताई पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज से इंप्लीमेंट करो, सबसे पहले प्रैक्टिस स्टार्ट करो छक्के मारने के, उसके बाद माइंड क्लियर रखो कि मेरे एरिया में बॉल मिले, मुझे बॉल मिले, छक्का मारना है। सबसे बड़ा उदाहरण ईशान किशन भी, आज के टाइम में उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या बोला कि मैंने पहले से ही माइंड सेट था, मैंने सबको बताया हुआ था कि पहली बॉल मैं उड़ाऊंगा चाहे कहीं भी हो, और वो पहली बॉल छक्का लगा। आपने देखा होगा T20 जो श्रीलंका के साथ सीरीज हुई, तो यही माइंडसेट आपका होना चाहिए अगर आपको अच्छा हिटर बनना है। ईशान किशन भी अच्छे हिटर है, आपको भी ऐसा ही बनना है, तो माइंडसेट क्लियर करना है, पहली बॉल मिले चाहे दूसरी मिले उड़ाना है तो उड़ाना है, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस भी फिर ऐसे ही करने लगोगे। सिंपल सा वीडियो था गाइस, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था आप सभी के लिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीने पूरे आ रहे हैं, तो ये मेहनत आप सभी के लिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक किया करो, मोटिवेशन मिलता है जब लाइक और कमेंट करते हो, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सेम अकाउंट है वहाँ पे भी क्रिकेटर विशाल, वहाँ पे भी आपका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस।